अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वर्क. ओपन योर इंग्लिश वर्कबुक एंड योर पेज नंबर इज 37. योर इंग्लिश वर्कबुक योर पेज नंबर इज 37. योर टॉपिक इज आर्टिकल्स. हम सीख रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में. आर्टिकल्स में हमने पढ़ा था यूज ऑफ द, के टी एच ई दी, इसको हम दी भी पढ़ सकते हैं, दा भी पढ़ सकते हैं, कि दा को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. दी इज़ यूज बिफोर अ नाउन, इसको हम किसी भी नाउन से पहले यूज़ करते हैं. विच डिस्क्राइब, और दा लगाने से वो किसी भी शख्स की, जगह या चीज़ की तमाम क्लास को, तमाम वैरायटी को बयान करता है. जैसे एग्जांपल है, द काउ इज़ यूजफुल एनिमल. काउ तो एक है, लेकिन जब हमने द लगा दिया तो इसका मतलब है तमाम काउ जो हैं, तमाम गायें जो हैं, वो बहुत यूजफुल एनिमल होती हैं, यानी मुफीद जानवर होती हैं. लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर कोई लफ्ज़ प्लूरल है, ऑलरेडी वो प्लूरल में है, तो आप द यूज़ नहीं करेंगे. लाइक दिस, काउज आर यूजफुल एनिमल. यहाँ पे काउज है तो ये तमाम काउज के बारे में बता रहा है, तो हम यहाँ पे दा यूज़ नहीं करेंगे. यहाँ पे हमने कल दा के बारे में पढ़ा था. इसके अलावा हमने पढ़ा था कि स्टैचूज़ के नाम से पहले दा यूज़ होता है, बिल्डिंग के नाम से पहले दा यूज़ होता है, प्लेसेस के नाम से पहले होता है, फेमस बुक्स के नाम से पहले दा यूज़ होता है. आज हम पेज नंबर 37 करेंगे. पेज नंबर 37 पे हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है. पेज नंबर 37 पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको हमने ए एन और द के साथ हमने इनको फिल करना है. ए एन और द हमारे आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स को यूज़ करते हुए हमने इनको फिल करना है. हमने देखना है कि ए कहाँ पे राइट हो रहा है, एन कहाँ पे राइट हो रहा है, और द कहाँ पे राइट हो रहा है. नंबर वन इज़, डू यू नो व्हाट डैश ऑस्ट्रिच इज़. तो आपको पता है कि वोवल्स हमारे फाइव वर्ड्स हैं, ए ई आई ओ यू, उनसे पहले हमेशा एन आता है. ओ हमारा वोवल है तो हम एन यूज़ करेंगे. व्हाट एन ऑस्ट्रिच इज. नंबर टू, इट्स अ वेरी लार्ज बर्ड. इट्स अ वेरी लार्ज बर्ड. नंबर थ्री इज, इट लिव्स इन डैश कंट्री कार्ड ऑस्ट्रेलिया. इट लिव्स इन अ कंट्री कार्ड ऑस्ट्रेलिया. नंबर फोर इज, इन ऑस्ट्रेलिया देयर इज आल्सो एन एनिमल कार्ड केंगरू. एन राइट करेंगे. नंबर फाइव इज, अ केंगरू इज द बेस्ट जंपर इन द वर्ल्ड. नंबर फाइव में पहले ए आ जाएगा, देन डी आ जाएगा. नंबर सिक्स, इट कैन जंप ओवर द फेंस 10 फुट हाइट. द आ जाएगा. नेक्स्ट हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स. हमने ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करनी है सूटेबल आर्टिकल्स को लगाते हुए, कि हम देखेंगे ए आएगा, एन आएगा, द आएगा. नंबर वन इज, द जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक. हम जिराफ के बारे में बता रहे हैं कि लॉन्ग नेक है, तो एक की तो नहीं ना होती, सबकी होती है. सो हम सबको बनाने के लिए द लगाएंगे, द जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक. नंबर टू, फवाद हैज़ बाउट अ पेयर ऑफ न्यू शूज़. फवाद हैज़ बाउट अ पेयर ऑफ न्यू शूज़. नंबर थ्री इज, ही पुट द लेटर इन एन इनवेलप. He put the letter in an envelope. Number four is, she made an omelette with an egg and a tomato. An आएगा, फिर A आएगा. Number five is, the dog is a faithful animal. यानी सारे dog जो हैं वो faithful होते हैं, तो हमने इससे पहले the use किया. The dog is a faithful animal. I have sold a ticket for the cricket match held at a stadium. यानी आप पहले ए लगाएंगे, देन द लगेगा, फिर ए राइट करेंगे. नंबर सेवन इज, हेयर इज अ कॉइन, कीप द कॉइन इन योर हैंड. हेयर इज अ कॉइन, कीप द कॉइन इन योर हैंड. नंबर एट इज, वी आर गोइंग टू द स्वात वैली फॉर अ हॉलीडेज. वी आर गोइंग टू द स्वात वैली फॉर हॉलीडेज. नंबर फाइव इज, फादर गिव मी अ लवली बुक. I am reading the book now. Number 10 is, a tall man came to our school. The man was a magician. ठीक है. There is an airport near my home. N write करेंगे. एक दफ़ा फिर से ये आप पूरा पेज देख लें कि किस तरह से आपने क्या write करना है.
जहाँ पे आपको ज़रूरत है दा की आप दा राइट करेंगे, जहाँ पे ए की है आप ए राइट करेंगे, और जहाँ कहीं एन आएगा आप वहाँ पे एन राइट करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।